Hi everyone, this is Mala and I just want to welcome you on this channel. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे that first year में और first sem और second sem में कौन कौन से subject आपको पढ़ाया जाएगा. So I am here to tell you each and everything. So let's start. सब्जेक्ट होगा आपका फर्स्ट सेम में, वो होगा आपका DDC, दैट इज डिजिटल डिजाइन कम्युनिकेशन. बेसिकली आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड स्किल्स सीखोगे आप इस सब्जेक्ट में, जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इन डिज़ाइन, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आप सीखोगे. बट फर्स्ट सेम में सिर्फ आप फोटोशॉप ही सीखोगे एंड सम ऑफ द बेसिक थिंग ऑफ लाइक कंप्यूटर, दैट इज DDC, डिजिटल डिज़ाइन कम्युनिकेशन. सेकेंड सब्जेक्ट इज ड्रॉइंग. सो अभी आप जो भी प्रिपरेशन किया आपने उसी के टॉपिक, जैसे लाइट एंड शेडो एंड टोन टेंट और कलर थ्योरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने प्रिपरेशन में ऑलरेडी कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें भी आप जाके ड्राइंग में सीखोगे. बेसिकली ये सब्जेक्ट इसलिए डाला जाता है ताकि स्किल्स है ना, जैसे ड्राइंग करने की स्किल, ये सब इम्प्रूव हो सके. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में बेसिकली, ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है. जैसे ज्योमेट्री हर एक एलिमेंट में, हर एक डिज़ाइन में ज्योमेट्री होता है, तो यही आपको समझाने की कोशिश की जाएगी बहुत ही छोटे लेवल पे फर्स्ट सेम में. सो या लाइक बेसिकली आपको शेप्स, आर्क्स, ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए पर्टिकुलर मैनर में और एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ. एंड आर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज FB इज़ अ फैशन बेसिक्स. तो जो आपने GAT के लिए प्रिपेयर किया होगा ना, उसमें आपने ब्रांड एम्बेसडर ये सब पढ़ा होगा, तब उसको आप बहुत ज़्यादा डीप में आके पढ़ोगे. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपने नहीं सुनी होगी कभी, आपको पता नहीं होगा, बट वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा. एंड अगर इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सेल्फ एंड सोसाइटी, SNS. सो सेल्फ एंड सोसाइटी क्या होता है, जैसे इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादातर रिसर्च वर्क करना है. ये सब्जेक्ट इसलिए इंक्लूड किया गया है आपके सेमेस्टर में ताकि आप अवेयर हो सको अपने आसपास की चीज़ों को लेके, एंड आप थोड़ा इंटरेक्ट कर सको लोगों से एंड उनके लाइफस्टाइल से. डिज़ाइनर बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है, अगर वो आसपास नहीं देखेगा क्या चल रहा है तो उसको नहीं पता चलेगा उसको किस तरीके की डिज़ाइन लाना चाहिए मार्केट में. तो इसलिए सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है. एंड ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट से मुझ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था जब मैं फील्ड विजिट के लिए जाती थी या फिर जब इस सब्जेक्ट पे काम करती थी, रिसर्च करती थी. तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ये सब्जेक्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, तो ऑल द सब्जेक्ट्स आर प्रैक्टिकल, थ्योरी बहुत ही लेस होता है, बट प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है. लास्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस फर्स्ट सेम इज मटीरियल हैंडलिंग. सो मटीरियल हैंडलिंग में बेसिकली एक सब्जेक्ट है मटीरियल हैंडलिंग, उसके सब सब्जेक्ट्स हैं. जैसे कि निफ्ट हैदराबाद में आपको पेपर, मेटल एंड यार्न, ये पढ़ाया जाता है मटेरियल हैंडलिंग में. एंड सम ऑफ द कैंपस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे क्ले वगैरह, कुछ कैंपस में क्ले वगैरह पढ़ाया जाता है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसी और कैंपस में बोर्ड, किसी में क्ले, हमारे में पेपर. तो इस तरीके से मटेरियल हैंडलिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. सो इसमें कुछ नहीं, बेसिक से आप सब कुछ सीखोगे. मेटल का बेसिक सीखोगे, मेटल को मोल्ड कैसे करते हैं, मेटल को यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पेपर बनता कैसे है, देन पेपर के कितने सारे टेक्निक्स होते हैं जो एक्चुअल में आपने सिचुएशन टेस्ट में यूज़ किया होगा, तो वो सारे टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअल में आपके निफ्ट में. एंड पेपर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो मुझे, आप मेरा सिचुएशन टेस्ट का अगर मॉडल देखोगे तो उसमें 50% पेपर ही यूज़ हुआ है ऑलमोस्ट मॉडल में. यान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में भी पढ़ के बहुत शौक हो गई थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था यान के बारे में. इवन तो मैंने यूज़ किया था यान को, बट मैंने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं था. तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, आई रियली फाउंड इंटरेस्टेड इट. एंड इफ यू फील दैट सब्जेक्ट ना, इफ़ यू लर्न दैट सब्जेक्ट वेरी पीसफुली और बहुत इंटरेस्ट लेके आप सीखना चाहते हो किसी सब्जेक्ट को, तो आपको अच्छा लगने लगता है. तो या दिस इज़ फॉर फर्स्ट सेम सब्जेक्ट्स, जिस आपको मैंने बता दिया आप क्या क्या पढ़ोगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इन सब की लर्निंग डायरीज बनती है. लर्निंग डायरीज मतलब LD, छोटा सा A5 और A4, A6, लाइक ड्राइंग के लिए आपको बड़ा A3 लेना पड़ता है, अदरवाइज बाकी सब A5 में ही मैंने बनाया था. तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे, उसमें थ्योरी जो भी होगा वो लिखोगे, उससे लर्निंग डायरी के भी मार्क्स मिलते हैं. कॉलेज में जाने से पहले मैंने आपको सब बता दिया, तो मेक श्योर आप लेके जाओ. एट लीस्ट लेट्स मूव ऑन आवर सेकेंड सेमेस्टर. सेकेंड सेमेस्टर इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर, बिकॉज इसमें थोड़ा सा स्किल आपका अपग्रेड हो जाएगा तो सब्जेक्ट्स भी अपग्रेड हो जाएंगे, बट डू नॉट वरी क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। सो DDC अगेन सेम रहेगा बट सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा, जैसे कि आपने फोटोशॉप फर्स्ट सेम में सीखा, सेकेंड सेम में आप इलस्ट्रेटर सीखोगे एंड मे बी इन डिज़ाइन सीखोगे, तो DDC इज सेम। इन द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसिंग इन सेकेंड सेम इज ADA, दैट इज आर्ट एंड डिज़ाइन एस्थेटिक्स, आर्ट की हिस्ट्री, डिज़ाइन की हिस्ट्री पढ़ोगे। एंड ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें एक्चुअल में जब मैम पढ़ाती थी हमें तो ऐसा लगता था हर दिन एक कुछ ना कुछ नया चीज़ ऐसे सीखने को मिलता था, मुझे तो मिलता था, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, तो या आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग दिस सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज CTS, CTS इज क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स में आपका ब्रेन को डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा साइकोलॉजिकल तरीके से एंड थ्योरिकल बेस पे। एक्टिविटीज़ मैम ऐसे देती थी जो कि ऐसे ब्रेन को खोलने वाला है, जैसे कि आपने अपना नेम को सीधे तरीके से तो लिखा होगा, मैंने लिखा है माला, तो अगर माला को उल्टा लिखेंगे तो किस तरीके से A बनेगा उल्टा, L बनेगा उल्टा, तो ये सारी चीज़ें बताया गया और भी बहुत सारी एक्टिविटी बताई जाएगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअल में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग। देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट है CPS, दैट इज़ अ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो या लिफ्ट में जाने के बाद आपको हर दिन एक प्रेजेंटेशन देना है, जब ऐसे किसी के सामने फ्रंट में जाके बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो ये वही चाहते हैं कि जब आप जूरी में बोलो तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोलो एंड या आप ऐसे दुनिया का सामना करने के लिए रेडी रहो, क्योंकि डिज़ाइन इंडस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, तो कहीं से भी कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ग्रैब कर पाओ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके, तो इसलिए सब्जेक्ट इसमें डाला गया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई डोंट नो इस सब्जेक्ट कैसा है, बट टीचर जो इस सब्जेक्ट की थी वो मेरी फेवरेट टीचर है, तो वो बहुत अच्छे से बताती थी, ऐसा तुम्हें फील ही नहीं कराएगी कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा देगी जो उनको समझाना। आई फाउंड दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ज्योमेट्री इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे फर्स्ट सेम में आपने ऐसे चीट पे आप ड्रॉ करके चीज़ों को एनालाइज करोगे, एंड यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में आप प्रैक्टिकल चीज़ें बनाओगे, जैसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप वो जो शीट पे आपने ड्रॉ किया उसको पेपर से बना रहे हो, यहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल काम होता है। दो डिफरेंस है ज्योमेट्री में एंड DDC में, अपग्रेड होता है। दिस इज़ ऑल द फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपने सेमेस्टर में परफॉर्म कर पाओ एंड बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव दिस वीडियो एंड यू फाइंड इंटरेस्ट इन इट, एंड या अगर कोई डाउट और क्वेरी और कुछ भी आपको पूछना है सो जस्ट राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट।